हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल लेबोरेटरी टेक्नीशियन स्वागत करता हूँ। एक बार फिर हम जॉब को नोटिफिकेशन लेके आ गए हैं जो कि दिल्ली गवर्नमेंट से वैकेंसी थर्ड पार्टी के थ्रू, ठीक है। इसमें कि थर्ड पार्टी कौन रोल निभा रहा है तो BECIL, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड जो है थर्ड पार्टी है यहाँ पे, और वो जो है लैब टेक्नीशियन एंड अदर पैरामेडिकल पोस्टों की वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। इसके थ्रू ये पोस्टिंग कहाँ पर होने वाला, आपको दिल्ली NCR झज्जर में आपका ये जो है वहाँ पे आपका पोस्टिंग होने वाला है। इसमें लैब टेक्नीशियन एंड अदर पैरामेडिकल पोस्टों की वैकेंसी निकाली गई BECIL की तरफ से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस नोटिफिकेशन में डिटेल्स जानकारी के लिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे जरूर लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, पूरा देखिएगा पहले, इसके बाद अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि जो भी इसके लिए एलिजिबल कैंडिडेट है या तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो जो इस फॉर्म को फिलअप करने में इच्छुक है वो अपना फॉर्म फिलअप कर सके, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस नोटिफिकेशन में। तो इसमें क्या दिया गया, यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन पूरा नंबर दिया गया है और जो कि 20 दैट मीन्स इसका शायद एम्स में आपको वैकेंसी है। ये BECIL MR प्रोजेक्ट /1 एम्स एडवर्टाइजमेंट नंबर 208 क्या है। तो BECIL की तरफ से जो वैकेंसी निकाली जा रही है वन बाय वन, तो उसका सीरियल नंबर है 208, ठीक है। रिलीज कब किया गया, तो 12/10/2022 की वैकेंसी जो है रिलीज की गई है, और ये किसके तरफ से है, तो BECIL के तरफ से है। ये गवर्नमेंट इंडिया BECIL कंपनी क्या है, एक मिनी रत्न कंपनी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। इसमें दिया गया, एप्लीकेंट आर इन्वाइटेड फॉर रिक्रूटमेंट या इम्पैनलमेंट ऑफ फॉलोइंग मैन पावर प्योरली ऑन आउटसोर्स बेसिस फॉर डिप्लॉयमेंट इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन दिल्ली NCR झज्जर, ठीक है। तो इसमें क्या क्या वैकेंसी है देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहला है MTS जो 3 वैकेंसी है और इसका सैलरी जो है 16,614 मिलने वाला है। इसके बाद है मैट्रिकुलेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या इंस्टीट्यूशन, जिसमें कि आपको इसके साथ एक्सपीरियंस जो मांगा गया है, मस्ट हैव वर्क इन अ हॉस्पिटल मिनिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, ठीक है। उसके बाद लैब टेक्नीशियन का पोस्ट है जिसमें कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है, BSc MLT फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट विथ 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस साथ साथ होना चाहिए उसी फील्ड में, लैब टेक्नीशियन के फील्ड में। इसका सैलरी जो है 21,970 रुपये मिलने वाला है। इसके बाद है ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का, जिसमें टोटल 3 वैकेंसी है, 3 पोस्ट हैं, ठीक है। इसका भी BSc या तो 10+2 विथ साइंस होना चाहिए विथ 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस, जो 10+2 है उसको और साइंस से है उसको 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, या तो BSc होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद है एक्सपीरियंस इन एनी ऑफ द फॉलोइंग एरिया, माने ये जो 4 जो दिया गया इसमें से किसी एक में भी आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसको प्रिफ्रेंस दिया जाएगा। प्रिफ्रेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट विथ सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स OT टेक्नीशियन फ्रॉम रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूशन, सेम ही है। इसका सैलरी जो मिलने वाला है आपको 20,202 रुपया मिलने वाला है, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे नीचे उसका जो नियम होते हैं, जो कुछ शर्तें होते हैं, वो सारे चीज़ बताया गया है। जैसे कि 1 नंबर में क्या दिया है, वो सिलेक्शन विल बी मेड एज पर प्रिस्क्राइब नॉर्म्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब, बोला गया है कि ये जो सिलेक्शन जो है आपका, इसका जो नॉर्म है, इसका जो शेड्यूल, इसका जो नियम है उसके तहत ही आपको लिया जाएगा, ठीक है। और जो BECIL का नियम है, शर्तें हैं, उसके हिसाब से लिया जाएगा। इसके बाद जो बोला गया है कि ये जो वैकेंसी है आपको बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है, इसमें जितनी भी टोटल पोस्ट है उसका, ठीक है। इसके बाद है इसको जो है कैसे लिया जाएगा, क्या क्या है इसमें, सारा चीज़ दिया गया है। एप्लीकेशन जो है इसका ऑनलाइन ही होगा, यहाँ बोला एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन ओनली फॉर द एबव पोस्ट, ठीक है। इसके बाद है इसको अप्लाई आप कैसे करेंगे, तो www.BECIL का वेबसाइट पर जाकर के आप जो है वहीं से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका यदि इसमें कोई दिक्कत होता है तो आप चलिए हम और भी बताते हैं नीचे कि यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको बताया गया है कि कैसे आपको फॉर्म को फिलअप करना है ऑनलाइन के थ्रू, ठीक है। इसके बाद ये है, इसके बाद जो है कि इन केस ऑफ एनी डाउट, यदि आपको कोई डाउट है या हेल्प चाहिए तो आप ये ईमेल आईडी दिया गया है, इस ईमेल आईडी पर आप ऊपर वाली ईमेल आईडी पे ईमेल करके आप जानकारी ले सकते हैं। यदि आपको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है
अप्लाई करने में, तो आप इस पे ईमेल कर सकते हैं या तो इस टोल फ्री नंबर पे फ़ोन करके पूछ सकते हैं क्या आपको जो भी दिक्कत हो रही है ऑनलाइन अप्लाई करने में, ठीक है। और इसके फॉर्म का लास्ट डेट कब है सबमिशन करने का, इसका जो है 27/10/2022 को आप इसका लास्ट डेट है, 27 तारीख तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दिया गया यहाँ पे बी CIL रजिस्ट्रेशन पोर्टल, आप कैसे अप्लाई करेंगे ये सारा चीज़ दिया गया है। कैंडिडेट जो है BECIL या तो ये दिया है वेबसाइट https/ जो भी दिया गया यहाँ पे देख लीजिएगा, इस पर आप जाकर के ऑनलाइन अप्लाई कर सकते बोला गया है, ठीक है। नो अदर मीन्स मेड अप्लीकेशन बोला गया, और अदर कोई भी मोड नहीं है जिससे आपका अप्लीकेशन एक्सेप्टेड होगा, ठीक है। और कौन सा चीज़ की कौन कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, फ़ोटो कितना के वी का चाहिए, सारा चीज़ यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आपको बताया भी गया है कैसे क्या करना है यहाँ पे। और इसके बाद है आपका जो है एप्लीकेशन फ़ीस लगेगा, जनरल के लिए जो है आपको 885 रुपया प्लस, ठीक है। यदि डबल आप दो फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको 590 रुपया दिया आपको। इसके बाद जो भी फॉर्म अप्लाई करेंगे, मान लीजिए एक फॉर्म आप किए हैं अप्लाई और दूसरे पोस्ट के लिए भी आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर 590 रुपये एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे जनरल OBC के लिए सेम ही है अप्लीकेशन फ़ीस, SC ST के लिए 531 है। यदि वो SC ST वाले यदि कोई एक्स्ट्रा फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसको 334 रुपये एक्स्ट्रा देना पे करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद एक सर्विसमैन है, वोमेन का है और EWS PH का है, ठीक है। इसके बाद बोला गया है कि आप पेमेंट कैसे करेंगे, नोट बैंक एंड पेमेंट गेटवे चार्ज ऑन द एबव अमाउंट विल बी बोर्न बाय द एप्लीकेंट, बोला गया इसका एक्स्ट्रा चार्ज लगता है GST का, तो आपके द्वारा ही उसको पे करना पड़ेगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही था, यदि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे जरूर लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि जो भी इसके लिए एलिजिबल है वो फॉर्म फिलअप कर सके। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। देखते हैं यूट्यूब चैनल लेबोरेटरी क्रिएशन, और एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हमारे इस चैनल पे भी बहुत सारे MCQ दिया गया, आप वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं, और भी नए नए MCQ हम ला के देंगे। और हमारा एक और चैनल है BMLT एग्जाम प्रिपरेशन चैनल, वहाँ पर जाकर भी आप जो है एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं। वहाँ पर जो है ओनली MCQ दिया गया है और क्वेश्चन पेपर का सोल्व दिया गया है वहाँ पर, तो आप जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।